बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ एहसन रियाज। हाउ आर यू बॉयज़ एंड गर्ल्स? टुडे आवर सेकेंड क्लास ऑफ कंप्यूटर यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। एज यू नो दैट देयर आई हैव अ पिक्चर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। This is the first page of your book, Induction to Computer Science, and in this chapter we will cover the I will introduce amazing machine computer, its limitation and characteristics, to introduce the history of computer, and we learn here various types of computers in different aspects, and we know to know the advantages and impact of computer in our society. And the last topic of this chapter is giving the first hand knowledge about programming languages and translators. So now let's start the first topic, 1.11, the basic definition of computers. As we know that students, computer is an electronic machine, and we can process data by the computer. We know that from the class 1, this definition, the computer is an electronic machine, an electronic device that can process data. But now in the standard of 9th class, we should know the detailed definition, the complete definition of computer. हमारे पास बहुत सारी और devices ऐसी हैं जो data को process करती हैं, जो numerical, mathematical problem को solve करती हैं, like calculator. तो एक सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है कि कैलकुलेटर भी डेटा प्रोसेस करता है, न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस करता है, कंप्यूटर भी न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस करता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर एंड अदर न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग डिवाइसेस? हियर वी शुड नो कंप्यूटर कैन प्रोसेस ऑल टाइप ऑफ डेटा बिसाइड्स न्यूमेरिकल डेटा, like alphabetic means characters, words, etc., and alphanumeric, the combination of numbers and letters, we should know it's called alphanumeric data, like the address of your home, address of your email ID, and the passwords of your email ID and your different password depend on alphanumeric data. Alphanumeric means the combination of alphabets and letter. For example, the password may be a password Karachi 123, SN 123, and XYZ 4678. कुछ भी पासवर्ड जब इस तरह से कोई नंबर, कोई डेटा हमारे पास आता है जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स कंबाइन होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम अल्फ़ानुमेरिक डेटा कहते हैं. अल्फ़ाबेटिक डेटा ओनली अ नेम ऑफ एनी पर्सन, फॉर एग्जांपल एहसन, ज़हीर पब्लिक स्कूल, कराची, पाकिस्तान, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़, किसी जगह का, किसी इंसान का नाम हो सकता है. एक और मेजर डिफरेंस जो हम जानते हैं कंप्यूटर और कैलकुलेटर में, कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बट द कैलकुलेटर कैन नॉट डू इट. कैलकुलेटर कैन डू सेम बट इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा कैन स्टोर इन कैलकुलेटर मेमोरीज, बट कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. So we can say computer is a device that can process data. Here I am. Computer is a device that we can process data. Processing of data is vast in its meaning. Processing means
टू कन्वर्ट डेटा इन टू अदर फॉर्म, टू कंबाइन डेटा विद डिफरेंट डेटा आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल, we have a call in school reception, and the caller asks to receptionist to call Ali, and receptionist cannot do the task without complete information. It means Ali is a data. Here the receptionist need to complete information, need to calculate the information, need to convert data into the information. For example, जब अली को कॉल किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि रिसेप्शनिस्ट जो है फ़ौरन किसी को भेजे और जाओ अली को बुला के ले आओ. एक स्कूल में, एक क्लास में एक से ज़्यादा अली हो सकते हैं. अली इज़ अ मोस्ट कॉमन नेम इन आवर सोसाइटी. तो अली को बुलाने के लिए अली का कंप्लीट डेटा चाहिए होगा, और उसके लिए रिसेप्शनिस्ट कॉलर से मुख्तलिफ क्यूरीज करेंगी, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगी, जिससे उनको पता चलेगा कि मज़ीद डेटा उनको मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके सर प्लीज़ गिव द फुल नेम ऑफ अली. फॉर एग्ज़ाम्पल बता दें अली अहमद. तो अली अहमद इज़ एन अदर कॉमन नेम देन अली अहमद. मे बी द अली अहमद आर 1, 2 और 3 इन आर सेम स्कूल. रिसेप्शनिस्ट नीड टू आस्क सम मोर क्वेश्चन. सर फ्रॉम विच क्लास? अली इज क्लास 9th. अली अहमद फ्रॉम क्लास 7th, और एक्स वाई जेड किसी भी क्लास से हो सकता है. अली को कॉल करने के लिए उनको इस तरह का क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. जब उनके पास ये आ जाएगा अली अहमद फ्रॉम क्लास 7, तो वो उसको इजीली कॉल कर सकते हैं, इजीली बुला सकते हैं. अब रिसेप्शनिस्ट ने यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है? उन्होंने कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया. कॉन्केटिनेशन ज्वाइनिंग द वर्ड्स, बचपन में हमें सिखाया जाता है स्कूल्स में, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं दो वर्ड्स को ज्वाइन करना. हमने बच्चों को देखा है स्कूल्स के अंदर, बच्चे पढ़ते हैं ए प्लस पी प्लस पी प्लस एल प्लस ई इज इक्वल्स टू एप्पल. इट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन इन कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर कैन प्रोसेस दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कंप्यूटर कैन डू ईजिली, एंड द कन्वर्जन ऑफ डेटा इन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, अरेंजिंग ऑफ डेटा, रीअरेंजिंग, ऑर्डरिंग एंड एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कॉल्ड प्रोसेसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस. एंड कंप्यूटर कैन डू ईजिली ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रोसेस. So, the proper definition of computer is now computer is an electronic device that can accept data and instructions in the form of programs as input, process the data according to the given instruction and produce information as output. So, the student, the complete and proper definition of computer is given in last line of your book. From this line to this, you can easily learn this definition of computer, and this is very easy. Now come on the second page of my lecture. This is from your school notes. Here is given a question: what is computer? यहाँ पे question और भी बन सकता है. Define the computer. Question इस तरह से भी change हो सकता है. What is the definition of computer? और board के exam में आपको इस तरह से भी आ सकता है. Give the proper definition of computer. So here we give proper definition of computer. There are three definition: number 1, number 2 and number 3.
these three definitions are most proper definition of computer. जो आप क्लास वन से लेके और क्लास एट तक डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ते हुए आए हो, ये तीन डेफिनेशंस उन तमाम डेफिनेशंस का आप ये समझ लो निचोड़ है. उनका टोटल अगर करो तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बनती है. बिल्कुल जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, क्लास वन में आपको सिर्फ इतनी डेफिनेशन दी जाती थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अब स्टैंडर्ड चेंज हुआ, आप क्लास टू में आए, आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी और बढ़ गई. इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्लास नाइन्थ में आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए. यू आर द कंप्यूटर स्टूडेंट, तो यू शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. फॉर बोर्ड एग्जाम यू शुड लर्न ऑल दीज थ्री डेफिनेशंस. आई रिपीट अगेन, यू शुड लर्न ऑल दीज थ्री डेफिनेशन, बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम दिस क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स. और आप लोग समझ सकते हो कि आप एक डेफिनेशन लिख के 2 लाइन की 4 नंबर नहीं ले पाओगे. तो आपको नंबर्स भी लेने हैं, और आपको ये नंबर्स लेने के लिए तीनों डेफिनेशन प्रॉपर याद करनी पड़ेंगी. ये आपके नोट्स का पहला पेज है, पहले पेज के ऊपर ही आपके पास क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ उसके हेडिंग मौजूद है. और ये तीन डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2 एंड डेफिनेशन नंबर 3. इसमें बुक की डेफिनेशन भी इंक्लूड है. ये 3 डेफिनेशन जो है ये आपकी बुक की डेफिनेशन है, जो मैं आपको अभी बुक के पेज से हाईलाइट करके बताई थी. उसके बाद ये थोड़ी सी इन डेफिनेशंस की आपके पास समझ लें एक्सप्लेनेशन मौजूद है. सो द बॉयज एंड गर्ल्स, आपने करना क्या है, आपने इस डेफिनेशन को लर्न करना है, इस डेफिनेशन को याद करना है, और इसको आपने लिखना है. आप इसको लिखोगे अपने पास और लिख के याद करोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी. आप एक बार याद करो इसको, याद करने के बाद बगैर देखे आप लिख लो, जैसे हम स्कूल में करवाते थे. अब स्कूल क्योंकि आप घर पे हो, मैं यहाँ हूँ, इतना डिस्टेंस है बीच में, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेंगी पहले से. इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस सिलेबस ऑन राइज. थैंक यू स्टूडेंट्स. नाउ द टाइम टू स्टॉप माय रिकॉर्डिंग एंड माय लेक्चर. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.